गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी हम सो के उठे हैं, बस बैरागढ़ में स्टे किया था रात में, एक होम स्टे था। ओके, सो वी आर नाउ ऑल सेट, और बस हम निकल रहे हैं सचवास के लिए। सारा पैक हो गया, बस अब निकल ही रहे हैं। ओके गाइस, सो हम निकल चुके हैं यहाँ से। शत्रुंजी 19 किलोमीटर दूर है और उसके बाद फिर सचपास। मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है चलाने में, क्योंकि मेरे जो टायर्स हैं बाइक के वो RS के वही टायर्स हैं जो जब बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं उसके। मैं ऑफ रोडिंग वाले टायर्स नहीं लगवा पाया हूँ, टाइम का कुछ इशू था, तो डिफ़िकल्ट होगा, बट ठीक है, आराम से जाएंगे, कर लेंगे। जब तक कोई चीज़ करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि वो चीज़ होगी या नहीं, पर जब सोचा है तो करके आएंगे। एंड चेक पोस्ट, चेकिंग के लिए रुके हैं बस। बस यहाँ से निकले हैं और हमने उसने रात से पूछा कैसा है, उन्होंने एक ही बात बोली कि 3 किलोमीटर बाद एक पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है रोड के हिसाब से। बाकी जो स्नो है वो तो सच पास में ही मिलेगी हमें, और रास्ता एक्चुअली में पता लग रहा है धीरे धीरे कि कैसे है। आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, जान है तो जहान है। पहले या दूसरे गियर में ही चला रहे हैं, सिर्फ इससे आगे बढ़ेगी नहीं। रास्ता कैसा सबको दिख ही रहा होगा, बहुत लोग टच पास कर चुके हैं आज हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली व्यू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हमें मज़ा ही आ गया है सीरियसली। Yeah.
ओके सो गाइस, मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, तकलीफ हो जी। एक्चुअली हुआ क्या कि हम बैरागढ़ से 12 किलोमीटर ऊपर आ गए थे और फिर हम एक जगह रुके लघु शंका ब्रेक के लिए, आप समझ गए होंगे। तो बाई चांस मुझे वहाँ ध्यान आया कि मेरा जो बैग है पिट्टू बैग तो वो होटल में छूट गया। वाओ, आई मीन हम ऐसे थे कि वाओ ये क्या हो गया, तो 12 किलोमीटर आ गया कि कोई होश ही नहीं मुझे, सडनली याद आया। अब जाना तो था लेने क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स रखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ सामान था हमारा ज़रूरी, तो बैग तो ऐसे भी छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि हम शायद आगे खिलाड़ी निकलेंगे वापस नहीं आएंगे, तो मुश्किल हो जाता उसके बिना तो खैर ज़रूरी भी था वो चीज़। तो वी हैड डिसाइडेड कि बाकी के जो बंदे हैं वो आगे निकलते हैं जितना आगे पॉसिबल जा सकते हैं, और मैं पीछे गया और फिर वहाँ से बैग लेके अब आगे आया हूँ। तो अब देखिए वो देखते कहाँ मिलते हैं वो लोग हमें, मुझे आई मीन तो मैं अकेले ही हूँ और अकेले इस तन्हा रोड पे, तो रोड तो है नहीं एक्चुअली, तन्हा पहाड़ियों में तन्हा बंदा अकेला घूम रहा हूँ। तो बस चले जा रहे हैं, ये रास्ते लेके जाए जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। मेरे पीछे कोई प्लेन भी नहीं है क्योंकि तो मेरे पीछे रमील भाई बैठे थे, उनको मैंने बैठा दिया रवि भाई की बाइक पे क्योंकि मैंने चाहता कि वो लोग सफ़र करें मेरी वजह से। सो यही था बस, बाकी रास्ते बड़े खतरनाक हैं, एडवेंचर शुरू हो गया है और ये बंदर का नाम नहीं लेगा एडवेंचर। शायद तो काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं, देख ही नहीं रहे। चलिए कोई नहीं, आई होप सतरुंडी में मेरा वेट करें वो, मजा आ गया रोड से।
मजा आ गया भाई।